यहाँ देखते हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक वाटर क्रॉसिंग है। मैं मैंने बताया था कि रोड की कंडीशन कैसी थी आपको दिखाया था, तो अभी पार्ट टू में आपको भी दिखाता हूँ कि अपनी बीस्ट वैसे ऑफ रोड पे कैसे चढ़ती है, क्योंकि बारिश आज जाके हल्की सी रुकी, आप देख सकते हैं सामने। तो अभी पहले इसको कॉलते हैं कोल्ड स्टार्ट, और ये फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। चलते हैं दोस्तों, यह है मौसम हिमाचल प्रदेश में, जो 4-5 दिन से भारी बारिश और प्रलय आई है, उसके बाद आप रोड की हालत देख सकते हैं, हर जगह तबाही तबाही मची है। पार्ट वन में मैंने आपको दिखाई थी अपने रोड की कंडीशन, और अभी अपने आप ले जाते हैं उस पर अपनी बीस्ट को, R15 को। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये आप देख सकते हैं रोड की हालत, और बाइक को घुसा दिया है फुल स्विंग में। इधर उधर रोड ठीक है, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं उस पॉइंट पे जो ख़राब था। ये आप सामने देख सकते हैं, पिताश्री ने काफ़ी खोद दिया है यहाँ पे। यह है डेजर्ट पॉइंट, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये देखिए, यहाँ पे डेंजर पॉइंट, यहाँ पे खुदाई होती है, अभी घुसाएंगे इसमें। यहाँ पे ये जो ये भी काटने को था ये काट दिया गया है, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दलदल है आपको जो सामने दिख रहा होगा। तो अभी थोड़ा सा और इधर को हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि नीचे काफ़ी डेंजर है, आप नीचे देख सकते हैं। यह है दोस्तों वो खतरनाक पिच आपके सामने, तो अभी इसको भी देखते हैं, और सामने एक वाटर क्रॉसिंग भी है, वो भी पार करेंगे। बट फिलहाल इसका देखते हैं, कुछ ही देख रहे हैं आप। क्या है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से बाइक कैसे निकाल ली है देख सकते हैं आप, पूरी मिट्टी मिट्टी डाल दी है यहाँ पे, और ये सामने पुल लग चुका है और वाटर क्रॉसिंग भी है। अब देख रहे हैं कि वाटर क्रॉसिंग से बाइक को निकालूं कि पुल से निकालूं, बट पहले तो यहीं से निकालने मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ कहाँ निकालूं बाइक। दोस्तों ये बहुत ऊंचा है, तब तक मैं दिखाता हूँ। जो 4-5 दिन से हिमाचल प्रदेश में बारिश हुए, प्रलय आया, उसके कारण आप देख सकते हैं हालत, सारा रोड खत्म दोस्तों। और ये पुल जो बह गया था, इसको दोबारा लगा दिया गया है। उस टाइम यहाँ पे पार्ट वन में मशीन लगी हुई थी, तो उसने रोड भी बना दिया, तभी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग को पार करेंगे। अरे दोस्तों आप यहाँ पे जो ऊंचा था, इसको भाई साहब बिठा रहे हैं थोड़ा नीचे, क्योंकि काफी ऊंचा है, आप देख सकते हैं। इसमें बाइक कहाँ निकलनी थी, नीचे लगेगा, तो इसको थोड़ा स्लोप को कम कर रहे हैं। और सामने आप वाटर क्रॉसिंग देख सकते हैं, बहुत खतरनाक है, इसको भी पार करेंगे, बट फिलहाल यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो देखते हैं। अभी ये बन चुका है रोड, अभी देखते हैं यहाँ से निकाल के। और ये फंस चुकी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है, और ये नीचे भी लगी हल्की। देख सकते हैं आप कितना ऊंचा था, कीचड़ बड़ा है। यहाँ से ऊपर साइड से निकालनी पड़ेगी दोस्तों, और यहाँ देखते हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक वाटर क्रॉसिंग है, आप देख सकते हैं इधर कुंडसा भी बना है। अब वहाँ पे जूता गीला हो जाएगा, जूता निकालना पड़ेगा दोस्तों। ये दोस्तों अपना शूज़ निकल चुका है, और अभी देखते हैं, ये भी फ़िलहाल यहीं रख देते हैं बैग, वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो चलेगी आपको। तो देखते हैं ये भी निकल पाती है यहाँ से, अपनी पीस काफ़ी डाउन है, तो फाइनली यहाँ से आराम से निकल गई है बीच कंपनी। काफ़ी ज़्यादा पानी था, यहाँ से निकाली अपनी बीच को, अभी आप सामने देख सकते हैं। ये आप
अपनी ओपल अल्फा H1 के साथ, बिल्कुल टायर भी धुल चुका है। तो ये था खतरनाक वाटर क्रॉसिंग, और यहाँ पे भी मैं दिखा दूँ, और ये वो पुल था जो बह गया था दोस्तों, साथ में नया नया पुल लगा दिया है। ये बोरेड खड्ड है हमारी बनौर की फेमस, जो बरसात में बहुत ही अपने साथ ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को बहा के ले जाती है, काफ़ी डेंजर रहता है दोस्तों। तो यहाँ से तो अपनी पिस्ट को निकाल दिया है, अब चलते हैं आगे, आगे का व्यू दिखाते हैं आपको कि आगे रोड की कंडीशन कैसी है। और ये इधर भी रोड की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, ये अपना मेन रोड में है। ये है दोस्तों, और सामने जो पड़ा है आपका बिल्कुल ऐसा कीचड़ है दोस्तों कि इसमें से जो बाइक होती है आपकी स्लिप होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपोलो अल्फा H1 ऐसे तो मैंने बताया कि आपको कीचड़ पे भी अच्छा काम करता है। देखिए यहाँ से भी निकल गई है, स्लिप ज़रूर मारा था, अगर ऑफ रोड होता वो ज़्यादा स्लिप तो नहीं मारता, मारेगा वो भी जब उसके वो ग्रूज भर जाते हैं, और ये इसमें अगर एकदम से थ्रोटल दे देंगे तो ये स्लिप मार देगा। तो ये भी टेक्निक चाहिए जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है ऑफ रोड पे, मोड वाले रोड पे, वो आराम से बाइक निकाल लेता है किसी भी टायर से। हाँ, ये ज़रूर है जो आपका ऑफ रोड टायर होता है वो असिस्ट करता है आपको निकालने में, क्योंकि उसमें जो क्रूज बने होते हैं वो बाइक आराम से निकाल लेते हैं। ये ऐसी हो सकी है जो महाप्रलय हिमाचल प्रदेश में आई, यहाँ पर कभी मलबा नहीं होता था बट यहाँ पर भी मलबा आ चुका है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी जगहों पर आ रखा है बट मैंने सारी जगह पर नहीं नोट किया, क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों यही है हमारा पार्ट टू, जिसमें मैंने दिखाया कि हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उसके कारण हर गांव में बहुत ही ज़्यादा बारिश के कारण जो हालत ख़राब है आपके सामने है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा पहली बार ऐसा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, और ऑफ रोडिंग आपको दिखाया कि कैसे हालात है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये फाइनली दोस्तों काफ़ी दिनों बाद जो बारिश हुई, इसमें लग रहा है हल्का सा चैन लूप लूप तो नहीं है बट टेल है, ये भाई साहब ने डाला है। नाम बताएंगे सर आप अपना? अजय। अजय, हाँ, तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने डाला है। तो यहाँ पर मैं पुरवाला चौक के में हूँ, पुरवाला चौक के आसपास ही शॉप है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं अभी शेर सिंह की दुकान। ऑफ रोड में जो हालत ख़राब हुई थी थोड़ा चैन लूप कर दिया है।